पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य बोले, शिमला की सड़कें चौड़ी कर दूर की जाएगी जाम की समस्या। सर्कुलर रोड का विजिट कर संबंधित अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। अधिकतर सड़कों के दोनों ओर फॉरेस्ट लैंड होने व घनी आबादी के चलते पहले भी पूरे नहीं हुए नेताओं के इस तरह के दावे। विक्रमादित्य सिंह ने जल्द पार्किंग तैयार करने की बात भी कही। हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के सर्कुलर रोड पर कुछ अन्य जगहों का निरीक्षण किए जाने के दौरान हिमाचल की राजधानी शिमला में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहां की सड़कों को चौड़ा करने की बात कही। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि जहां जहां भी संभव हुआ जल्द सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों व कमेटी को वह इस बारे रोड मैप तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जल्द बरसों से प्रस्तावित पार्किंग भी तैयार की जाएगी और इससे भी काफी हद तक लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिमला हिमाचल की राजधानी होने पर टूरिस्ट प्लेस के चलते तंग सड़कों पर यहां जाम की समस्या रहती है, जिससे पर्यटकों में शहर की अच्छी इमेज नहीं जा रही है। लोक निर्माण मंत्री द्वारा सर्कुलर रोड और कुछ अन्य जगहों का विजिट किए जाने के दौरान उनके साथ मौजूद स्थानीय विधायक हरीश जनार्दन ने उन जगहों की जानकारी दी जहां सड़क चौड़ी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार पहले भी ब्रिटिश हुकूमत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला की सड़कें चौड़ी किए जाने के दावे कई नेता कर चुके हैं, मगर सड़क के दोनों तरफ फॉरेस्ट लैंड होने व पहाड़ी क्षेत्र में घनी आबादी के चलते अन्य की तरह यहाँ सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई। पत्रकारों से बातचीत किए जाने के दौरान विक्रमादित्य ने मुस्लिम समुदाय व प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं भी दी। सबसे पहले तो मैं आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज ऑफ ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सुखू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के, हरीश नाठा जी, और हम सबकी जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर परस्पेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा कार्ट रोड है, शिमला का जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमिटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहां जहां पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है जमीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीजें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागजों से जो पिछले 5 साल केवल कागजों तक ही सीमित रह गए थे उनको कागज से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। सुहागन कीनी रे मोसनना मिलाई के छाप तिलक